back to my YouTube channel Study with Himeta. How are you all? Hope you all are doing well. So today I'm going to start the new topic from P block elements, that is compounds of nitrogen. The first one is dinitrogen. हमने लास्ट वीडियो में नाइट्रोजन या फिर ग्रुप 15 की सभी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और जनरल ट्रेंड्स को डिस्कस कर लिया था. अब हम इसके जो कंपाउंड्स बनते हैं जो भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के, उसके बारे में हम देखेंगे. तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है डाइनाइट्रोजन. डाइनाइट्रोजन यानी कि N2, ठीक है. N2 को कमर्शियली कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सबसे पहले तो प्रिपरेशन ही आता है. तो डाइनाइट्रोजन को कमर्शियली, जैसा कि हम जानते हैं कि एयर में 78% जो कॉम्पोजिशन है वो नाइट्रोजन का होता है, तो कम्प्लीटली एयर को डाइनाइट्रोजन को कॉमर्शियली एयर को लिक्विफाई करके प्रोड्यूस किया जाता है. तो कॉमर्शियल प्रिपरेशन अगर हम देखें तो क्या है, कमर्शियली इसको कैसे बनाया जाता है, बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ रखा है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होता है इसके थ्रू. और किसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और लिक्विफिकेशन करेंगे, ऑफ एयर. सिंस एयर में 78% ऑक्सीजन, सॉरी 78% डाइनाइट्रोजन होता है, तो हम उसको लिक्विफाई करके और उसके बाद उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से प्यूरिफाई करके हम डाइनाइट्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड आता है, वो मेथड जो है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन का, वो क्या है, हम अमोनियम क्लोराइड को, NH4Cl को हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, NaNO2 के साथ, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट के साथ. जब हम ट्रीट करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, N2, ठीक है, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, प्लस H2O एंड प्लस NaCl, ठीक है. ये एक मेथड है, इसमें दो तरह की इम्प्योरिटीज बनती हैं, NO और HNO3. तो इन दोनों को हम कैसे प्योरिफाई करते हैं, इन दोनों को हम HCl गैस से पास करा के, सॉरी H2SO4 कंसेंट्रेटेड H2SO4 की गैस से पास करा करके हम इसके साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या रहता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसेंट्रेटेड H2SO4 के थ्रू पास करा करके हम इन दोनों इम्प्योरिटीज NO और HNO3 को प्यूरिफाई कर लेते हैं, फिर हमारे पास प्योर डाइनाइट्रोजन हमें मिल जाता है. तो ये था फर्स्ट मेथड, जो लेबोरेटरी में जिस मेथड से हम डाइनाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, ये वो मेथड है. अब दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड है अमोनियम डाइक्रोमेट का. किसका, अमोनियम डाइक्रोमेट का. अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला NH4 2 CR2O7. ये हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट, सॉरी अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको हम जब हीट करते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो हमें मिलता है N2 डाइनाइट्रोजन प्लस, इक्वेशन बैलेंस करें तो 4H2O, और क्या मिलेगा, CR2O7, क्या मिलेगा, CR2O7 क्रोमेट मिल जाएगा हमें, ठीक है. देखिए सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें N2 डाइनाइट्रोजन मिलता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2O और क्रोमेट का एक मॉलिक्यूल CR2O7 मिलता है. अब जो बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, थर्ड और बेस्ट मेथड क्या होता है, बेस्ट मेथड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस डाइनाइट्रोजन. तो बेस्ट मेथड जो है वो बेरियम अजाइड, क्या होता है, बेरियम अजाइड वाला मेथड. बेरियम अजाइड वाले मेथड का क्या मतलब है, देखिए BaN3 volt wise, अजाइड क्या होता है, N3, ठीक है. इसको जब हम हीट करते हैं, बेरियम अजाइड को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेरियम प्लस 3N2. ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन कहलाता है, क्योंकि सिंस इसमें कोई
अदर बाई प्रोडक्ट केवल हमें बेरियम ही मिलता है, उसके अलावा और कोई बाई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, कोई वाटर वगैरह कुछ नहीं मिलता है, प्योर नाइट्रोजन हमें डाइनाइट्रोजन मिलता है। तो हमने तीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन देखे। पहला क्या है, कमर्शियली इसको लिक्विफिकेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से बनाया जाता है। फिर जो इक्वेशनल मेथड्स हैं वो क्या है, पहला देखें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को NaNO2 के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है N2H2O और NaCl। इस प्रोसेस में कुछ इम्प्योरिटीज फॉर्म होती हैं, क्या है NOHNO3 और कंसेंट्रेट, तो NO और HNO3 ये दो इम्प्योरिटीज फॉर्म होती हैं जिनको हम प्यूरिफाई कैसे करते हैं, कंसेंट्रेटेड H2SO4 गैस के थ्रू पास कराते हैं जिसके साथ पोटेशियम डाइब्रोमेट भी होता है। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड है अमोनियम डाइक्रोमेट का। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है NH4 होल टू CR2O7। इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें डाइनाइट्रोजन का मॉलिक्यूल मिलता है, 4H2O के मॉलिक्यूल और क्रोमेट का मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाता है। ये सेकेंड मेथड हुआ। और लास्ट एंड द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन इज द प्रोसेस ऑफ बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaN3 होल टू। बेरियम एजाइड को जब हम हीट करते हैं तो बेरियम अलग हो जाता है और डाइनाइट्रोजन के तीन मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन। क्यों बेस्ट मेथड, क्योंकि ज्यादा बाई प्रोडक्ट नहीं मिलते, कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलती है, एंड दिस इज ईजी मेथड ऑल्सो। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन। अभी हमने डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन देखी, अब हम डाइनाइट्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास दैट डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। इनर्ट यानी कि स्टेबल होता है, कंपाउंड नहीं बनाता है वो रूम टेम्परेचर पे। क्यों इनर्ट होता है, रीजन क्या है, ड्यू टू हम जानते हैं डाइनाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की हाई बॉन्ड एंथैल्पी की वजह से, इस बॉन्ड की हाई बॉन्ड एंथैल्पी की वजह से ये रूम टेम्परेचर पर इनर्ट होता है, ठीक है, हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है। ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं दो नाइट्रोजन के बीच के, ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है रूम टेम्परेचर पे ये गैस इनर्ट ही रहती है। दूसरी चीज क्या है, एट हाई टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे यानी कि हाई टेम्परेचर पे डाइनाइट्रोजन मेटल्स के साथ मिलकर के आयनिक नाइट्राइड बनाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हाई टेम्परेचर पर डाइनाइट्रोजन मेटल्स के साथ मिलकर के आयनिक नाइट्राइड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम जब डाइनाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, Mg3 Mg3 N2, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है, डाइनाइट्रोजन जब नॉन मेटल्स के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कोवेलेंट नाइट्राइड बनाता है, ठीक है। फिर आता है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस डाइनाइट्रोजन की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। हेबर्स प्रोसेस होता क्या है, देखिए आगे आप अमोनिया में भी पढ़ेंगे, जो मेन प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया होता है वो हेबर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हेबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। डाइनाइट्रोजन थ्री मॉलिक्यूल ऑफ H2 के साथ कंबाइन होकर के और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे 773 केल्विन के टेम्परेचर पर ये दो मॉलिक्यूल ऑफ NH3 अमोनिया का फॉर्म करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, अमोनिया को बनाने का जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है हेबर्स प्रोसेस, और हेबर्स प्रोसेस को कंप्लीट करने में जो मेन रोल निभाता है वो कौन होता है, डाइनाइट्रोजन। तो डाइनाइट्रोजन थ्री मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिलकर के 773 केल्विन के टेम्परेचर पर दो मॉलिक्यूल अमोनिया के बनाता है। ये हो गया हेबर्स प्रोसेस। लास्ट क्या है, N2+O2। डाइनाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन के साथ जब हीट किया जाता है तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, 2NO, ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये दोनों ही रिएक्शंस क्या है, रिवर्सिबल है, यानी कि NO से N2O2 भी बन सकता है और N2O2 से NO भी बन सकता है। सेम यहाँ पे भी है, डाइनाइट्रोजन और हाइड्रोजन से NH3 अमोनिया भी बन सकता है, और NH3 का रिवर्स प्रोसेस डाइहाइड्रोजन और डाइनाइट्रोजन से भी बन सकता है, ठीक है। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन।
अब हम कुछ यूजेस देख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन। फर्स्ट यूज जो है डाइनाइट्रोजन का, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हेबर्स प्रोसेस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है। सो फर्स्ट यूज इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की प्रिपरेशन में यूज होता है, ठीक है, अमोनिया NH3 की प्रिपरेशन में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, टू क्रिएट इनर्ट एटमोस्फियर, टू क्रिएट इनर्ट एटमोस्फियर। इनर्ट एटमोस्फियर का मतलब क्या है, ऐसा एटमोस्फियर जहां पर गैसेस आपस में रिएक्ट ना करें। अभी मैंने आपको बताया कि रूम टेम्परेचर पर डाइनाइट्रोजन कोई इनर्ट फॉर्म में बिहेव करता है, रूम टेम्परेचर पर डाइनाइट्रोजन इनर्ट फॉर्म में बिहेव करता है। तो इनर्ट एटमोस्फियर क्रिएट करने के लिए भी हम डाइनाइट्रोजन का यूज करते हैं। तीसरी चीज, एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होता है, एज अ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या है, किसी भी चीज को प्रिजर्व करने के लिए। देखिए जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं तो उसमें जो गैस फिल्ड होती है वो नाइट्रोजन होती है। क्यों, क्योंकि ये इनर्ट होती है रूम टेम्परेचर पर, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये लिक्विफाई होकर के काफी ठंडी हो जाती है, इस वजह से ये किसी भी चीज को इफेक्ट नहीं होने देती है। तो एज अ रेफ्रिजरेंट या एज अ प्रिजर्वेटिव भी डाइनाइट्रोजन का यूज किया जाता है। और फोर्थ है, मेडिकल साइंस में एक सर्जरी यूज होती है, क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी में भी डाइनाइट्रोजन का रोल होता है। तो ये हो गए कुछ यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन, मेन पॉइंट्स जो यूजेस में थे। यहाँ पे ही हमारा डाइनाइट्रोजन का टॉपिक खत्म होता है। डाइनाइट्रोजन में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ा, 3-4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी और देन यूजेस। यहाँ पे हमारा डाइनाइट्रोजन का टॉपिक खत्म होता है। देखिए अब हम ग्रुप 15 का नेक्स्ट कंपाउंड डिस्कस करेंगे जो कि अमोनिया, ठीक है। अमोनिया की सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है डीके ऑफ यूरिया। यूरिया अमोनिया का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड माना जाता है। यूरिया का ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरी बात ये कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डीके करके, डीके कैसे, वाटर में डिजोल्व करके उसको आप ब्रेक डाउन करके हम क्या बना लेते हैं, अमोनिया। तो ये यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। यूरिया में जब हम वाटर डिजोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, NH3, दो NH3 के मॉलिक्यूल, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल, फिर H2O और CO2। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, डीके ऑफ यूरिया। यूरिया का सिंपल हम कहें सिंपल लैंग्वेज में तो यूरिया को वाटर में डिजोल्व कर देने पे हमें अमोनिया मिलता है, और बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, उसको वाटर के साथ मिलाएंगे H2O के साथ तो हमें मिलेगा क्या, एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NH3, ठीक है, अमोनिया मिलेगा। अमोनिया तो मिलना ही मिलना है, सिंस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा, यहाँ पर CO हमें मिला है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग होगा, और फिर बचा क्या, H2O, तो एक मॉलिक्यूल H2O भी रिलीज हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। द सेकेंड वन इज, देखिए क्या है, अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया को अलग करना है, बस इसमें अमोनियम क्लोराइड को बेस क्या है, CaOH4 लाइम वाटर के साथ हम जब रिएक्ट कराते हैं अमोनियम क्लोराइड को तो हमें मिलता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, NH3 प्लस H2O और CaCl2। देखिए यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे सिंपल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, NH3 अलग हो गया है, एक HCl यहाँ पर बचा और CaOH4। अब एक H यहाँ का और यहाँ का OH, ठीक है, इसको निकाल करके वाटर बन गया है, फिर बचा हमारे पास CA और CL, तो CaCl2 भी अलग हो गया है, सिंस एक सॉल्ट अलग हुआ है, अमोनिया अलग हुआ है और वाटर अलग हुआ है। इस प्रोसेस में क्या हुआ है, सॉल्ट, वाटर और अमोनिया, तीन चीजें अलग हुई हैं। फिर आ जाते हैं सेकेंड भी इसी तरह का एक रिएक्शन है, NH4 2SO4 अमोनियम सल्फेट किसके साथ, NaOH कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2NH3, दो मॉलिक्यूल अमोनिया के प्लस वाटर और NaSO4। यहाँ पे भी वही हो रहा है, NH4SO4, देखिए ये है क्या, अमोनियम सल्फेट NaOH के साथ रिएक्ट करके दो मॉलिक्यूल अमोनिया के बना रहा है, एक वाटर का मॉलिक्यूल और एक सॉल्ट का मॉलिक्यूल। सॉल्ट यहाँ क्या बनेगा, NaSO4, ठीक है। तो
मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड और मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो लार्ज स्केल पर यूज होता है, लार्ज स्केल पर, जैसे मैंने डाइनाइट्रोजन के लिए बेरियम अजाइड वाला मेथड बेस्ट मेथड बताया था, वैसे ही अमोनिया के प्रिपरेशन में लार्ज स्केल पर बेस्ट मेथड जो होता है वो हेबर्स प्रोसेस होता है। हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, N2 डाइनाइट्रोजन 3H2 के मॉलिक्यूल के साथ 773 केल्विन पर दो मॉलिक्यूल NH3 के बनाता है। ये बात अभी मैंने आपको डाइनाइट्रोजन में भी बताई थी, सेम वही रिएक्शन है। डाइनाइट्रोजन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के अमोनिया बनाता है, बट एक कंडीशन क्या है, टेम्परेचर यही होना चाहिए। क्या टेम्परेचर होना चाहिए, 773 केल्विन। दिस इज अ स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। देखिए एनसीईआरटी में अमोनिया की प्रिपरेशन पर एक डायग्राम दे रखा है, एक्चुअली ये हेबर्स प्रोसेस का ही डायग्राम है, जिसमें हम हाइड्रोजन और डाइनाइट्रोजन को, इन दोनों को हम पाइप के थ्रू कंप्रेसर में डालते हैं। ठीक है, कंप्रेसर में डालते हैं। कंप्रेसर का जो प्रेशर है वो कितना है, 200 atm के अराउंड प्रेशर होता है, जिसमें हम डाइहाइड्रोजन और डाइनाइट्रोजन दोनों को यहाँ पर डालते हैं कंप्रेसर में। ये दोनों ही लिक्विफाई हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से इसके थ्रू ये नीचे आता है, नीचे आता है, और यहाँ क्या है, एक बॉक्स में कैटलिस्ट रखे गए हैं। कैटलिस्ट क्या क्या है, आयरन ऑक्साइड Al2O3, अल्मोनियम ऑक्साइड और K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, अल्मोनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, इन तीनों ही कैटलिस्ट के थ्रू ये पास होता है। कैटलिस्ट के थ्रू जब ये पास होता है तो यहाँ पर तीन चीजें बनती हैं। क्या क्या बनता है, डाइनाइट्रोजन, 3H2, ये इतनी चीजें हमें यहाँ पर मिल गई हैं लिक्विफाइड फॉर्म में, N2, 3H2 और 2NH3। ठीक है, ये इधर से पास होते हुए यहाँ पर एक्चुअली एक कर्व्ड पाइप लगी होती है। कर्व्ड पाइप में क्या होता है कि NH3 जब नीचे जाता है तो वो लिक्विफाइड फॉर्म में जाकर के लिक्विड अमोनिया यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ से N2 और H2 गैशियस फॉर्म में, N2 और H2 गैशियस फॉर्म में ऊपर जाते हैं। ठीक है, गैशियस फॉर्म में ये पास होते हैं और वापस पंप में जाकर इकट्ठा होके इस प्रोसेस में अगेन कंट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हेबर्स प्रोसेस है। इसमें मेनली याद रखने वाली चीजें क्या है, क्या क्या कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं, तो आयरन ऑक्साइड, अल्मोनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड Al2O3 और K2O, और इसमें फॉर्म क्या होता है, किस फॉर्म में अमोनिया फॉर्म होता है, तो लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो ये था एक सिंपल डायग्राम ऑफ हेबर्स प्रोसेस हम कह सकते हैं। देखिए अब हम अमोनिया की जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो अमोनिया की फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है, तो कलरलेस होता है ये, और दूसरी चीज इसमें पंजेंट ऑर्डर, पंजेंट यानी बैड ऑर्डर, बैड स्मेल होती है इसकी, बैड स्मेल, समटाइम्स इट इज रिटन दैट टॉयलेट लाइक स्मेल। ठीक है, एंड देन द सेकेंड पॉइंट इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अमोनिया का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। क्यों हाई होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। ठीक है, अब शेप देख लेते हैं, अमोनिया की शेप क्या होती है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होती है इसकी। ट्राइगोनल पिरामिडल में तीन बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर, यही स्ट्रक्चर दिखाया गया अमोनिया का। बीच में नाइट्रोजन आइटम पे एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर इसके दिखाई दे रहे हैं, जहां पर तीनों पर एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। और दूसरी चीज एक्वस अमोनिया जो होता है, एक्वस अमोनिया यानी कि वाटर में डिजॉल्व अमोनिया, ये बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, यहां पर क्या फॉर्मेशन हो जाता है, OH- आयन कहाँ रिलीज होता है, बेस में रिलीज होता है। तो जब हम अमोनिया को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो OH- आयन रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये बेसिक नेचर का होता है। फिर तीसरी चीज क्या है, NH3 एक्ट एज लेविस बेस, लेविस बेस की तरह NH3 अमोनिया एक्ट करता है। क्यों लेविस बेस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि सेंट्रल एटम, इसमें सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम ऑफकोर्स नाइट्रोजन है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन जो है
इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंस होता है और लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ये एक लेविस बेस की तरह एक्ट करता है। तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हैज वन लोन पेयर, वन लोन पेयर होने की वजह से सेंट्रल एटम के पास NH3 जो है ये लेविस बेस की तरह एक्ट करता है। तो ये हो गई कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। क्या क्या है? पहला तो ये कलरलेस और पंजेंट ऑर्डर होता है इसका। दूसरी चीज, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। क्यों हाई होता है? अगर रीजन पूछा जाए तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या है, इसकी शेप क्या है? ट्रायगोनल पिरामिडल शेप है। एक नाइट्रोजन का एटम है जिसमें एक लोन पेयर और थ्री बॉन्ड पेयर्स होते हैं। थ्री बॉन्ड पेयर्स के साथ तीन हाइड्रोजन अटैच होते हैं। और एक्वस जो NH3 होता है, एक्वस अमोनिया, वाटर में डिजॉल्व अमोनिया जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर का क्यों? क्योंकि उसमें OH- आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। और ऐसे भी अमोनिया जो है वो लेविस बेस की तरह एक्ट करता है। लेविस बेस की तरह क्यों एक्ट करता है? क्योंकि इसके सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। लोन पेयर के प्रेजेंस की वजह से ही अमोनिया जो है वो एक लेविस बेस की तरह एक्ट करता है। तो ये हो गई कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। हम लास्ट टॉपिक अमोनिया की यूजेस को डिस्कस कर लेते हैं। अमोनिया के क्या क्या यूजेस है? पहला यूज जो है अमोनिया का वो ये है, ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है। अमोनिया जो होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज बहुत अच्छे से करता है, इसीलिए इसका यूज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का मतलब ऐसे फर्टिलाइजर्स जिसमें नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड हो, उसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स कहते हैं। और अमोनिया जो है ये बेस्ट होता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। सिंस ये यूरिया का ही, यूरिया भी इसी का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो हम कह सकते हैं उस रीजन से भी अमोनिया एक अच्छा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है। देन नेक्स्ट वन इज लिक्विड NH3 एक्ट एज अ रेफ्रिजरेंट। जो लिक्विड अमोनिया होता है ये कूल होता है, जिसकी वजह से ये एज अ रेफ्रिजरेंट भी एक्ट करता है। तो ये हो गए कुछ यूजेस ऑफ अमोनिया। और अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? देखिए, सबसे पहले हमने डाइनाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस। उसके बाद हमने अमोनिया के बारे में पढ़ा, अमोनिया की कंप्लीट प्रिपरेशन, देन हेबर्स प्रोसेस का स्ट्रक्चरल डायग्राम, फिर अमोनिया की प्रॉपर्टीज एंड देन यूजेस ऑफ अमोनिया, ठीक है। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसे जरूर आंसर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।